गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। हो गया आज का योगा सेशन, अभी टाइम है नींबू पानी पीने का। नींबू पानी काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। मौसम अभी चेंज होता रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडा हो जाता है, कभी बारिश होती है, तो विटामिन सी अगर हमारे शरीर के अंदर रहता है तो हमें सर्दी जुकाम वायरल इस तरीके की चीज़ों से हम बच जाते हैं। इसको पीना गर्म पानी के साथ में एक औषधि है, कोई और नुकसान भी नहीं है, इसको हम रोज पी सकते हैं। ये कौन है भाई? आर्मी मैन। अब आर्मी मैन हो? जय हिंद। शेरशाह हो क्या अब? शेरशाह? ओ बहुत ही तेजी के साथ इंडिया में वैक्सीनेशन दिया गया है 75 करोड़ लोगों को। मेरा भी पहला डोज हो चुका था, उसका भी काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा कि जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल पाया, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। अभी आज 14 सितंबर हो गया है और मेरे सेकेंड वैक्सीन का टाइम आ चुका है। जी देखिए, वैक्सीन सेंटर ही अवेलेबल नहीं है फ्री वाले में, बट अगर हम इसको पेड कर दें और फिर सर्च करते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर हम जो मेरे घर के नज़दीक है उसमें चेक करते हैं, सो इट कम्स कोविड शील्ड फॉर 780 रुपीज़ का, सारे स्लॉट्स अवेलेबल, बट फ्री वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जो ये एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो ये हमारी जो सरकारें जो इस तरीके का जो दावा कर रही हैं कि इतने करोड़ों को दे दिया है और इतना वैक्सीन अवेलेबल है, कुछ समझ में नहीं आता है कि किसको दिया है और कहां पर ये अवेलेबल है। अगर ये पैसे, ये जो पेड सर्विस है उसकी बात कर रहे हैं, तो इनको वो चीज़ भी कॉमन पब्लिक को बतानी चाहिए कि हाँ, पेड सर्विस जो है, पेड वैक्सीनेशन वो अवेलेबल है और आप सब लोग पेड वैक्सीनेशन लें, ताकि फिर हम लोग फ्री वैक्सीन का चक्कर ही नहीं रखेंगे। अभी सरकार कहती है कि हम फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो सबको एक लालच होता है कि जब फ्री में मिल रहा है तो हम फ्री में ले लेते हैं। सबको लालच होता है, मुझे भी थोड़ा सा लालच है, तो अगर फ्री में है तो वेल एंड गुड। अगर फ्री वाला नहीं मिल पाएगा, कुछ दिन तक देखते हैं और मजबूरन फिर हमें पेड ही लेना होगा। जब हम एक डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक बार जब हमने अपनी सारी डिटेल्स फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए डाल दी गई हैं, और जब हमारी गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि आफ्टर 84 डेज आफ्टर 83 डेज हम सेकेंड वैक्सीन के लिए, सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम क्यों नहीं ऐसा कुछ चल रहा है कि अपने आप हमारा जो स्लॉट है वो कहीं बुक हो जाए, या ये स्लॉट हमारे पास मैसेज आ जाए कि हमारे पास ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे जाके आप अपने आप टीकाकरण कर सकते हैं। कहीं मतलब डिजिटल भी जो है ना, वो मैनुअल से कम नहीं रह गया है। मतलब हमने डिजिटल को ही थोड़ा सा मैनुअल टाइप का ही बना दिया है, पर चलो कोई नहीं, नहीं फ्री वाला मिलेगा तो पेड वाला लेंगे भैया, कराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ट्रैवल करना है, घूमने जाना है, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, हमें तो घूमना ही है, वैक्सीन ज़रूरी है। प्ले टाइम हो गया? पॉकेट है क्या? चेन भी है क्या पॉकेट में आपके? आपके पॉकेट में चेन है क्या? ओ वाह, बिग बॉय वाली पैंट है आपकी। तो जो हमारे ट्रैवल करने की डेट है वो बहुत नज़दीक आ रही है, होटल्स चूज करना है, होटल बुक करने हैं, उन्हीं पे लगा हुआ हूँ, जल्दी से जल्दी होटल सारे हमारे बुक हो जाए। ये जो हमारा टूर होगा, ये जो हमारा हॉलीडे है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि अब आद्विक थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं और उनको दिखाना, उनको दुनिया को समझाना कि दुनिया में कैसी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो फोकस है वो आद्विक को लेकर के और हमारी डेस्टिनेशंस को लेकर के, दोनों को लेकर के है। होटल नेचर में हो और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो जो कि बच्चों के लिए खासकर हो, प्ले एरिया हो, थोड़े झूले वगैरह हो, थोड़े से वो हैंगिंग रोप्स हो, तो उसमें बच्चों को दिल लगता है, मन करता है वहाँ पे घूमने टहलने का। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा ने भी मुझे बहुत घुमाया, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, तो मैं भी बचपन से ही काफ़ी घूमने टहलने का शौकीन था,
और आज भी काफ़ी उस शौक को मैंने पाला है। तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ आदमी के अंदर भी आए और वो भी घूमने टहलना, दुनिया को देखना, उसे अच्छा लगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं विराम, करते हैं बाकी का काम और मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।